एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 9 तारीख का और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं और यहां पर मेरा नाश्ता वगैरह बन चुका था। इसके बाद मुझे अभी करनी है पूरे घर की सफाई और आजकल मेरा जो काम है ना वो थोड़ा देर से ही हो रहा है, नहीं तो मैं सुबह सुबह सारा काम अपना कर लिया करती थी, लेकिन किसी न किसी वजह से लेट हो ही जाता है। तो जो हमारा समय है वो एक जैसे कभी भी नहीं रहता और यही है, इस टाइम पे डेली ही किसी न किसी वजह से मेरा जो काम है वो लेट हो जाता है। तो अब वैसे भी नाश्ता मैंने बना दिया है, इसके बाद अभी मैं अपना जो भी काम है घर का वो ख़त्म करूँगी और बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है किसी भी काम का। सुबह बस यही है, हस्बैंड के लिए थोड़ा सा सुबह जल्दी रहता है तो बस उनको मैंने टाइम से बना दिया था मैंने नाश्ता और वो चले गए हैं। इसके बाद अब मैं सारे काम आराम से अपना करूँगी। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो कढ़ाई से निकाल करके मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया है और जो भी बर्तन हैं धुलने वाले उन सभी को मैंने रख दिया सिंक में। और यहाँ पर और भी कुछ छोटे छोटे काम किचन में डेली ही कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। तो ये ऑयल का पैकेट जो कि सुबह मैंने खोला था इसको और जल्दीबाजी में मैंने बॉटल में इसमें नहीं डाला था ऑयल कंटेनर में, तो अब मैं इसको डाल देती हूँ। और इसके ना बाहर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल गिर भी जाता है, जैसे यूज करते टाइम पे जब ऑयल निकालते हैं ना तो उस टाइम पे इसके बाहर भी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे करके ऑयल इकट्ठा हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे ही पोंछ देती हूँ कपड़े से और बस यहाँ पर अब कर लेते हैं किचन की सफाई और इसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। सबसे पहले तो मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ क्योंकि ना फिर बाद में अगर घर की सफाई करने जाओ तो कुछ ना कुछ नया काम निकल ही जाता है, तो इस वजह से सबसे पहले मैं अपने किचन को क्लीन कर लूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग से कोई काम नहीं करते हैं, कभी कभी अचानक से कोई बड़ा काम निकल आता है तो फिर इसी वजह से मैं पहले किचन को अपने साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भी थे वो मेरे धुल चुके हैं और बस यही किचन को क्लीन करना है तो कर लूँगी और यहाँ के फ़र्श की भी सफाई अच्छे से करूँगी। इससे पहले जो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना फ़र्श का, या जहाँ पे टंकियाँ वगैरह में रखती हूँ दाल चावल आटे के डब्बे, तो उस वाले हिस्से को भी मैं पोंछ देती हूँ यहाँ का फ़र्श साफ़ करने से पहले ही। और ये मैं गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ क्योंकि अगर वहाँ पे पानी डालेंगे ना तो जो भी सामान है डब्बे वगैरह वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए जब भी मैं यहाँ की सफ़ाई करती हूँ फ़र्श की उस टाइम पे ही गीला कपड़ा करके और फिर जितना भी हिस्सा खुला हुआ है, बाकी तो सामान रखा है, जितना भी खुला है उसको मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो धूल डस्ट जो हल्की हल्की सी जम जाती है तो वो डेली की डेली साफ़ हो जाती है और इस तरीके से फिर किचन मेरा साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पे सफाई करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने किचन का जो फ़र्श है उसको भी धुल दिया है। और किचन का फ़र्श जब धुल जाता है ना तो लगता है कि हाँ पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है। पोछा मैं यहाँ पे कभी कभी मारती हूँ लेकिन फिर भी उतना अच्छे से मुझे लगता है कि सफाई नहीं होती है। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मी है तो गर्मी के सीज़न में ये काम मेरा हो रहा है और देखते हैं ठंड के टाइम पर क्या होगा, क्योंकि ठंड के टाइम पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो देखते हैं जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। और बस यहाँ पर अभी ये सारे सामान को मैं सेट कर दूँगी। बच्चे यहाँ पे बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सारा सामान इधर उधर फैला देते हैं और जो कुशन है ना वो अपने जगह पे रहता ही नहीं है, ना ही सोफ़े का कवर। तो और उसकी आदत है ना यहाँ पे टीवी देखता है तो वो लेट करके देखता है और इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पर बेड रखा हुआ था कि बच्चे टीवी देखते हैं तो हो सकता है ये बेड पे बैठेंगे या लेटेंगे जो भी करना होगा, क्योंकि ये लोग सोफ़े में लेटे रहते थे। तो बेड रखने का तो बच्चों के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चे इसी में बैठ कर के टीवी देखते हैं और बेड ना थोड़ा सा दूर है तो बोलते हैं ना बेड दूर पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता टीवी देखने में, और ये जो सोफ़ा है ये पास में पड़ता है इसलिए ये लोग सोफ़े में ही बैठ कर के देखते हैं। तो बस अभी मैंने सारा सोफ़े का कवर झाड़ करके अच्छे से और फिर लगा दिया है और झाड़ू मैंने सुबह ही एक बार लगा लिया था तो कुछ ज़्यादा कूड़ा कचरा निकलता नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं लगाया है। बस ऐसे ही अब मैं साफ़ कर लूँगी जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पे पोछा मार दे रही हूँ और टेबल के नीचे एक आपको प्लास्टिक सीट दिख रही होगी तो ये निकली है मेरे किचन से। किचन की जो सबसे बड़ी वाली सेल्फ है, सबसे ऊँचाई वाली,
जहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाना था तो वहाँ पे फ़ैन लग गया है, तो इसलिए ये वाली प्लास्टिक सीट को निकालना पड़ा हमें। वहाँ पर उसका काम बिल्कुल भी नहीं था तो हमने निकाल लिया है और उसको धुल करके रख दिए हैं, तो वो वहाँ पे रखी ही रह गई है और देखते हैं उसको फिर कहीं और लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर ली है और ये मैं डेली ही करती हूँ। बेड के नीचे जितना भी ये पोछा पहुँच पाता है उतनी दूरी से मैं डेली ही क्लीन कर लेती हूँ। तो ये वाला बेड छोटा है तो इसमें तो पूरा ही अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन जो बेडरूम वाला है वो काफ़ी बड़ा है तो उसमें लास्ट तक पोछा नहीं पहुँच पाता। तो फिर भी जितना साफ़ हो जाता है उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि डस्ट जो है ना वो डेली ही निकलती है, डेली ही घर पर आ जाती है। तो इस तरीके से हो गई है घर की सफाई। और फिर लास्ट में जो काम है ये यहाँ पर मेन गेट के पास पानी डालने का, तो वैसे तो एक बाल्टी में ही यहाँ पे साफ़ हो जाता है, कभी कभी मैं फिर थोड़ा और आगे जा कर के 2-3 बाल्टी डाल देती हूँ ना, तो इस तरीके से पूरी सीढ़ी मेरी साफ़ हो जाती है। और सीढ़ी तो वैसे भी डेली कर लेते हैं, बस कभी कभी ऐसा होता है कि बस सामने में ही मैं पानी डालती हूँ, पूरा नहीं साफ़ करती हूँ। जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से काम होते हैं, उस हिसाब से सफाई होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो बस यहाँ पर ये वाली सेल्फ जो बेड के पीछे में है इसको भी साफ़ कर लेंगे, धूल डस्ट इस पर भी लग गई है और थोड़ा सा ही मैं साफ़ करूँगी। और इस पर अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि इसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको इसके बारे में हम लोग कुछ और ही सोच करके रखे हैं, तो देखते हैं कब तक होता है ये काम, इसीलिए अभी इनकी सेल्फ में हमने कुछ भी नहीं लगाया है। और बहुत कुछ अभी करना है इस वाले घर में, नए घर में हमारे अभी बहुत सारा काम नहीं भी हुआ है और बहुत सारा हो भी गया है। तो चलिए अब घर की सफाई तो हो ही रही है, तो अब जितना भी सामान मुझे दिखता है मैं सामने एक बार सब में जल्दी जल्दी से कपड़ा मार देती हूँ। और आज मैं कॉलिन से साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही धूल डस्ट जैसे लग जाती है ना, तो कपड़े को थोड़ा सा गीला करके और उसको अच्छे से निचोड़ करके फिर मैं साफ़ कर रही हूँ, तो धूल मिट्टी ऐसे में अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कॉलिन से सफाई नहीं की है, नॉर्मल कपड़े से ही सफाई की है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो भी जाता है, जो डेली की धूल मिट्टी बैठती है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पूरे हॉल की सफाई हो गई है, अच्छे से कोना कोना मैंने चमका दिया है। और अब आते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखा है, इस पर भी कपड़ा मार देंगे। तो ये ना 2-3 दिन के बाद ऐसा हो जाता है पूरा सामान जो है साफ़ करने के लिए, मतलब 2-3 दिन में ज़्यादा समझ में आने लगता है कि धूल मिट्टी लग गई है। और इस टाइम पे हवा भी चलती है ना, जैसे दोपहर में और शाम को आंधी तूफान टाइप का आता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है घर के अंदर। तो वॉशिंग मशीन को मैंने ऊपर की तरफ से क्लीन कर दिया है और इस पर कपड़ा वगैरह मैं ढक करके नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर वॉश बेसिन एरिया इसको भी क्लीन करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है, तो पहले तो मैं मिरर को क्लीन कर लूँगी, इसके बाद यहाँ की जो एक सेल्फ लगी हुई है ना उसको साफ़ करेंगे। और ये है हैंड वॉश का जो बॉटल, की काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, गंदा मतलब इसमें हैंड वॉश ही लग जाता है, बच्चे जब निकालते हैं ना तो थोड़ा सा इसमें लग जाता है, ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा इसमें चारों तरफ लग जाता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है और बस यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी 1-2 डब्बे वगैरह, जो भी बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, इनको मैंने साफ़ कर लिया है और फिर सबसे लास्ट में ये वॉश बेसिन को क्लीन कर देंगे। तो अभी ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है, 2-3 दिन में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, तो इसको मैं निरमा से साफ़ कर रही हूँ। निरमा से ना काफ़ी अच्छे से मुझे ऐसा लगता है साफ़ हो जाता है। और जब इसमें कुछ जिद्दी दाग वगैरह लग जाते हैं तो फिर मैं हार्पिक का यूज़ करती हूँ, वरना जो डेली की क्लीनिंग है वो यहाँ पे मैं निरमा से ही करती हूँ। तो थोड़ा सा निरमा मैंने इस पर डाल दिया था और एक पुराना स्क्रबर मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको मैं इसी के लिए यूज़ करती हूँ, अलग से मैंने रखा हुआ है इस वॉश बेसिन को ही साफ़ करने के लिए। और ये यहीं पर वॉशरूम में ही रखा रहता है तो मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ, स्क्रबर से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो चुकी है पूरे घर के सामान की सफाई और इसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा करके किचन में। और इसके बाद अभी मुझे लंच बनाना है, तो लंच तो मेरा बन जाएगा जल्दी ही, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। और बस यहाँ पर थोड़ी सी मैं तैयारी करने लगी हूँ, बच्चों के भी छुट्टियाँ हैं ना तो इनको कुछ न कुछ खाने का मन होता है, तो फिर इनके जो भी दिमाग में आता है तो इनकी फरमाइशें होती है कि मम्मा आज ये बनाइए, आज ये बनाइए, इस टाइप का। तो यहाँ पर मैं लग गई थी तैयारी करने में। तो सबसे पहले अभी मैंने रख दी है दाल, दाल को धुल करके हल्दी नमक वगैरह डाल करके रख देंगे पकने के लिए।
और इसके बाद जो भी बच्चों का फरमाइश हुआ है उसकी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि और काम तो भूल जाए चल जाएगा, लेकिन अगर बच्चों की कोई फरमाइश हुई है अगर वो भूल गया ना तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। फिर ना बच्चे थोड़ा सा उदास हो जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, बच्चे उदास हो जाते हैं और उनकी छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि उनको खुशी होनी चाहिए। फिर चाहे वो घर में कुछ हम खाने पीने को बनाएं या फिर कहीं ले करके जाएं, जो भी हो जो भी उनको पसंद है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अभी दाल चढ़ा दी है, इसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ तैयारी। और आज ना बच्चों का यही डिमांड था कि मम्मा डोसा बनाइए, अन्या को खाना था डोसा और आरुष को इडली, मतलब दोनों की पसंद अलग अलग है, थोड़ी सी ज़्यादा अलग नहीं बस थोड़ी सी पसंद जो है ना अलग अलग है। तो आरुष को इडली ज़्यादा पसंद है और अन्या को डोसा ज़्यादा पसंद है, तो फरमाइश तो अन्या की ही हुई थी। आरुष को इतना नहीं रहता खाने पीने का, बन गया तो वो खा लेता है, लेकिन स्पेशल डिमांड कुछ भी उसकी नहीं होती कि मम्मा आप ये बनाओ। तो यहाँ पर अभी मैं दाल और चावल को भिगोऊंगी, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ घर पे हमेशा, मतलब दाल और चावल को भिगो करके अभी रखूँगी और इसके बाद फिर ये बनेगा। तो ये आज तो बनेगा नहीं, ये कल बनेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फूलेगा, इसको फिर हम शाम को पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 गिलास चावल लिया है और ये वही चावल है जो मैं डेली खाने में बनाती हूँ। तो 4 गिलास चावल लिया है और 2 गिलास धुली हुई उड़द की दाल है ये, इसमें छिलका नहीं होता है तो ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो छिलका वाली होती है ना उसको हम पहले भिगो करके रखते हैं, फिर उसको छिलका निकालने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक धुलना होता है, तब जा कर के उसका छिलका निकलता है। तो यहाँ पर मैं बिना छिलके वाली उड़द की दाल का यूज़ कर रही हूँ ना, तो ये जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पे मैंने 4 गिलास चावल और 2 गिलास उड़द की दाल ली है और दोनों को एक ही बड़े बर्तन में मैंने निकाल लिया है और मैं एक साथ ही दोनों को भिगोऊंगी। तो भिगोने से पहले मैं इसको बहुत अच्छे से हाथों से मसल करके धुल लूँगी। तो फूलने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फूलने के बाद फिर इसको धुलते नहीं बनेगा, क्योंकि ये फिर टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो दाल और चावल दोनों साथ में ही धुल जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं अभी वाइट वाइट सा कलर निकल रहा है, तो ये चावल का कलर है, जैसे गांव का चावल रहता है ना तो उसमें इस तरीके का निकलता है। तो इसको मैंने कई बार 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर लास्ट में जब पानी अच्छे से साफ़ आने लग जाएगा ना इसमें, तब मैं इसको रख दूँगी फूलने के लिए। और यहाँ पर टब में ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया है चावल के ऊपर से और इसको धुल करके रख दिया है फूलने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच मेथी का दाना। तो जब तक दाल और चावल भीगेगा तब तक ये मेथी का दाना भी अच्छे से इसमें फूल जाएगा। और जब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, दाल चावल को पीसेंगे, तो साथ में ये मेथी दाना भी पीस जाएगा। और मैं जब भी डोसा या इडली बनाती हूँ तो उसमें 1 चम्मच मेथी दाना ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने भिगो करके छोड़ दिया है और 4 से 5 घंटे ये अच्छे से फूल जाएगा। इसके बाद शाम के टाइम पे मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी और फिर इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी और अगले दिन बनेगा फिर इडली और डोसा। तो चलिए, सारी तैयारियाँ मैंने कर दी हैं और अब मेरा लंच भी बन चुका था और हस्बैंड नहीं आए थे जब तक, अभी मैं खाली ही बैठी थी और यहाँ पर अन्या के मैं बाल बांध रही थी और अन्या के बाल ना थोड़े से बढ़ गए हैं, तो चोटी उसकी थोड़ी सी आने लगी है लेकिन बहुत अच्छे से भी नहीं आती, कुछ बाल छूट जाते हैं। तो उसको ना बहुत शौक़ है ऐसे इस तरीके से चोटी बनाने का और ख़ुद से भी वो कर लेती है टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बनता है। और मैं सोच रही थी इसके हेयर थोड़े से कटवा देती हूँ, क्योंकि अभी ना गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और गर्मी के मौसम में बच्चों के शॉर्ट हेयर ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि अगर ना भी गर्मी में गाँव भी जाएँगे कहीं भी जाएँगे तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेशन होता है, लंबे बाल अगर गर्दन में टच करते हैं। लेकिन अन्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको ये है कि नहीं मम्मा रहने दीजिए, बहुत मतलब उसको बिल्कुल भी मन नहीं रहता अपने हेयर कट करवाने का, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है लॉन्ग हेयर का और साथ में चोटी वगैरह करने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो बस यहाँ पर उसकी चोटी मैंने कर दी है और आज इस तरीके से जैसे स्कूल में बांध करके जाते हैं ना 2 चोटी, उस टाइप की है मैंने। अच्छी तो लग रही है वैसे, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी तो कटवा करके ले आऊंगी अभी किसी दिन। और चलिए फ्रेंड्स, अभी ये मेरा काम भी हो चुका है और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।